हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छात्र संघ अध्यक्ष शुभेंद्र सिंह भाटी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हंगामा व प्रदर्शन का मामला करीब एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। समारोह में प्रदर्शन के बाद राजकार्य बाधा सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रविन्द्र सिंह भाटी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व कर्मचारी नेता मोहन सिंह भाटी का अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा। दूसरी तरफ उक्त मामला प्रदेश भर उग्र रूप धारण करता नजर आ रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर रविन्द्र सिंह भाटी टीम द्वारा रैली निकालकर आक्रोश प्रकट किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपकर रविन्द्र सिंह भाटी को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान भाटी समर्थक राहुल सेन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रविन्द्र सिंह भाटी को झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार करने का मामला निंदनीय है। इसको लेकर जल्द से जल्द सरकार फैसला ले, नहीं तो राज्य भर में उग्र आंदोलन को उतारू होना पड़ेगा। इस अवसर पर शेखर व्यास, शैतान सिंह भाटी, राहुल सेन, मयंक दवे, पंकज माली, कुणाल दर्जी, महेंद्र सोलंकी, रवि सोनी, अरविंद सेन, आरिफ खान, प्रवीण देवासी, सोनू महेश्वरी, युवराज सिंह दूधवा, साहिल राव, अभिषेक दवे, श्रवण बंजारा, कृष्ण सिंह भूमिया राजपूत, अजय पाल सिंह, कृष्ण राज पुरोहित व यूनुस खान सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। जागरूक टीवी की भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।